नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यानी सेल की। सेल के बारे में बात की जाए तो अभी के लिए जो खबरें हैं वो काफी अच्छी हैं मेटल सेक्टर के लिए, चाहे सेल की बात हो, चाहे टाटा स्टील की हो, चाहे और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मेटल सेक्टर के स्टॉक है स्पेसिफिकली। अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक बड़ी रैली आने की संभावना है। बात करेंगे उसके पीछे का कारण क्या है और यहाँ पर सेल के ऊपर वीडियो करने का रीजन क्या है उसकी बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर टारगेट्स अच्छे हैं, साथ में डिविडेंड ऑफर हो रहा है, दोनों ही खबरें अच्छी हैं। साथ में अभी तक स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो लंबे समय में स्टॉक आपको एक रेंज में बना हुआ और वीकली यहाँ पे चार्ट में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो वीकली पैटर्न पर, टेक्निकल पैटर्न पर भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट है। उस वजह से ये सेल के ऊपर मैं प्रिफरेंशियली यहाँ पर वीडियो कर रहा हूँ। हाँ, स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, टारगेट और डिविडेंड की बात करेंगे, साथ में चार्ट पैटर्न की भी बात करेंगे। बट उससे पहले एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो की जा रही है, कोई भी रिकमेंडेटरी वीडियो नहीं है। तो अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने बेसिस पर, अपने एनालिसिस के बेसिस पर ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले स्टार्ट करें, उससे पहले आप देखिए कि डिविडेंड की जैसे बात रही, स्टॉक आपको अच्छा खासा डिविडेंड देता है। और लास्ट वीक अगर आप देखेंगे तो आरबी की एमपीसी मीटिंग हुई। सबसे पहले आप देखिए कि मुझे क्यों लगता है कि मेटल सेक्टर में एक अच्छी रैली आएगी। एमपीसी मीटिंग में साफ कर दिया गया कि रेट कट यहां पर नहीं हो रहे, और रेट कट आपके कब तक होंगे वो लगभग इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद ही यहां पर रेट को डाउन किया जाएगा, यानी इंटरेस्ट रेट को डाउन किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट जब डाउन होंगे तो मेटल सेक्टर में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी आपको। और वही कारण है कि अभी यहां पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बहुत हैवी बाइंग यहाँ पर की जा रही है बहुत सारे मेटल कंपनीज में, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो भेल हो, चाहे वो सेल हो, प्राइवेट कंपनीज है या फिर आपके पीएसबी से, सभी में ही एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर आ रही है। क्योंकि आने वाले 3 महीने 6 महीने मेटल सेक्टर में एक अच्छी खासी रैली की संभावना यहाँ पर बनती है। और सेल की जहां तक बात रही, सेल में मल्टी फ्रंट पर यहाँ पर बेनिफिट है। मल्टी फ्रंट पर बेनिफिट से मेरा मतलब यह है कि टारगेट तो आपको मिलेगा ही, साथ में अगर आप देखेंगे तो कंपनी आपको समय समय पर एक अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। आप देखिए, फरवरी में 10% के आसपास का डिविडेंड आपको मिला था, उससे पहले सितंबर में आपको 5% का, उससे पहले मार्च में 10% का, तो और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 25% तक का भी यहाँ पर डिविडेंड आपको मिला है। तो 25% से लेकर के 5% तक का डिविडेंड आपको मिलता है। तो स्टॉक में आपका ऊपर नीचे स्टॉक अगर जाता भी है तो यहाँ पर अगर आपने बाय नहीं किया, यहाँ पर बाय कर लिया तो वो आपको डिविडेंड से थोड़ा बहुत रिकवर करवा देगा स्टॉक। तो यहाँ पर डिविडेंड आपको अच्छा खासा मिलता है, 10% का डिविडेंड अभी आपको फरवरी में मिल चुका है। दोबारा से जून जुलाई के महीने में आपको दोबारा डिविडेंड यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है। 3 महीने पे 6 महीने पे कंपनी आपको डिविडेंड देती ही रहती है। और एक अच्छा समय इसलिए भी कि अगर आप देखेंगे तो एक तो डिविडेंड मिलता है, दूसरा इस कंपनी में अगर आप, जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे फ्रंट पर यहाँ पर बाइंग हो रही है। एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को दिसंबर क्वार्टर में बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को दिसंबर क्वार्टर में बढ़ाया है। तो लगातार यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं खरीदारी म्यूचुअल फंड भी ने भी बढ़ाई है। जैसा मैंने बोला, रेट कट हो गए तो मेटल सेक्टर में एक अच्छी खासी रैली आएगी और अच्छी खासी रैली का फायदा रिटेल इन्वेस्टर को भी उठाना चाहिए। और यही कारण है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो एफआईआई ने भी खरीदारी की, म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी की है। कंपनी लगातार अगर आप देखिए एक रेंज में थी या ऊपर आई, एक रेंज बना चुकी थी। ये वीकली पैटर्न है आपका, यहाँ पर ये वीकली पैटर्न का ब्रेकआउट आपको आसानी से देखने को मिल रहा है। 150 के ऊपर अगर स्टॉक आपका जा चुका है, क्लोजिंग आ चुकी है, वीकली पैटर्न पर ब्रेकआउट भी आपका मिल चुका है। तो टेक्निकल फ्रंट पर आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर फंडामेंटल फ्रंट पर भी अगर आप देखें तो काफी अच्छी खबरें हैं। यहाँ पर वीकली पैटर्न का ब्रेकआउट है, यहाँ पर आसानी से आपको 175 to 190 के आसपास का टारगेट आसानी से दिख रहा है आता हुआ। ओवरऑल अगर आप देखेंगे चार्ट पैटर्न में काफी चेंजेस आए हैं, और उन्हीं चेंजेस की बदौलत ही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हैं तो यहाँ पर 175 से 190 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। बहरहाल, अगर आप फंडामेंटल की बात करें, जैसे मैंने बोला तो यहाँ पर एफआईआई ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, अपना म्यूचुअल फंड ने भी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। डिविडेंड यहाँ आपको ऑब्वियसली आपको ऑफर हो ही रहा है, खबरें अच्छी हैं, रेट कट के बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली की संभावना है। खरीदारी करनी है या नहीं, ये लास्ट फैसला आपका होना चाहिए। बट हाँ, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेल एक अच्छा खासा बाइंग पैटर्न में देखने को मिल रहा है। क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस, प्लीज कॉमेंट बिलो, अगर पूछना हो तो। थैंक यू।